राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरहू में श्रम ही आधार, सिर्फ खबर से सरोकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 84.50 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। आज किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद के दौरान किया रास्तों को बंद। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिया धरना। भारत बंद के कारण दिल्ली में सड़कें बंद होने और मार्ग बदले जाने के कारण यातायात रहा प्रभावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की विधिवत की शुरुआत। देश में एक बार फिर से डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल 89.07 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 89.32 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा। आगरा में 700 करोड़ का फर्जी कारोबार चलाने वाला मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। कई दिनों से हो रही थी तलाश। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी। बीते 24 घंटों में सामने आए 26,000 नए मामले, 191 दिन बाद सबसे कम रहा आंकड़ा। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में मानवाधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्रालय ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की 2 समितियों का किया गठन। ये समितियां वर्तमान टैक्स स्लैब और GST से छूट वाले सामानों की करेंगी समीक्षा। इस्लामाबाद व काबुल के लिए जल्द शुरू होगी उड़ान। पाकिस्तान CAA ने अफगानिस्तान एयरलाइन को उड़ानें संचालित करने की दी मंजूरी। 16 वर्षों तक जर्मनी की सत्ता में रही चांसलर एंजेला मर्केल हो रही सत्ता से बाहर। ASI ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में खोज निकाला गुप्तकाल के बाद का पुरातात्विक स्थल। अमेरिका ने भारत की 157 प्राचीन कलाकृतियां लौटाई। भारत सरकार ने न्यूयॉर्क जिला अटॉर्नी कार्यालय को दिया धन्यवाद। योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में रविवार को शपथ लेने वाले कैबिनेट तथा 6 राज्य मंत्रियों को दिया गया विभाग। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने योगी आदित्यनाथ को भेजी चिट्ठी, कहा गन्ना मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो। मोइन अली ने किया रिटायरमेंट का ऐलान, अब इंग्लैंड के लिए नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। PM मोदी बीती रात पहुंचे सेंट्रल विस्टा, किया प्रोजेक्ट का निरीक्षण। ओवैसी ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान लगाया आरोप, UP में जिन लोगों को जेल भेजा गया उनमें 27% है मुसलमान। बंगाल के भवानीपुर में प्रचार के आखिरी दिन हुआ दिलीप घोष पर हमला। पाकिस्तान के ग्वादर शहर में बलूच विद्रोहियों ने बम से हमला कर संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को किया नष्ट।